Hello everyone. I hope you are staying at home, you are healthy, and yeah, be happy and utilize this time as much as possible, and that's why I'm here today. So शुरुआत करते हैं, बहुत सारे शुक्रिया अदा की कि आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, इतना मोटिवेट किया एंड मेरे पहले वीडियो से मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया. सो थैंक यू सो मच. सो मैंने सोचा कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है एंड आप लोगों को भी मोटिवेशन आ रहा है दैट यू वांट टू बी फिट. सो क्यों ना इस लॉकडाउन में मैं एक लॉकडाउन सीरीज स्टार्ट करूँ जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ होगा. सो आज ये मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ सो दैट कल से यू ऑल आर विद मी एंड वी ऑल कैन प्रैक्टिस एंड वर्कआउट टुगेदर. सो मैं हमेशा हर दिन 6 या फिर 6:30 बजे तक हर एक वीडियो पोस्ट करती रहूँगी एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू वर्कआउट एट होम एंड लेट मी नो और मे बी यू कैन मैसेज मी कि आज मैंने ये किया. सो जस्ट मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि मेरे लॉकडाउन सीरीज में क्या क्या है. इट्स अ 10 डेज प्लान. सो पहला है हमारा, कल जो मैं करने वाली हूँ वो है वार्म अप एंड कूल डाउन. बिकॉज कोई भी एक्सरसाइज के लिए, चाहे आप वो छोटा से छोटा एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर बड़ा से बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेच योर बॉडी, टू गेट योर बॉडी काम डाउन. एंड देन सेकेंड इज सूर्य नमस्कार. जिनकी बॉडी फिट है, जिनको सिर्फ हल्का फुल्का फ्लेक्सीबिलिटी के लिए या फिर जिस दिन का आधा घंटा निकालना है, उनके लिए सूर्य नमस्कार है. देन थर्ड इज़ फुल बॉडी वर्कआउट. जिनको कोई पर्टिकुलर एरिया कम नहीं करना है बट दे वॉन्ट अ वीडियो जिसमें कि फुल बॉडी वर्कआउट हो, तो वो उसके लिए जा सकते हैं. एंड देन फोर्थ इज थाई वर्कआउट, फिफ्थ इज बेली वर्कआउट, सिक्स्थ इज अपर बॉडी वर्कआउट एंड सेवन्थ जो मुझे रिक्वेस्ट आई है बहुत सारे, पोस्ट डिलीवरी हमारा हुआ है, हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, हमारा सी सेक्शन हुआ है, तो उन लोगों के लिए क्या क्या वर्कआउट है एंड क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, कौन सी वर्कआउट उनको करनी चाहिए, कौन सी वर्कआउट उनको नहीं करनी चाहिए, इस पर है. एंड देन अगेन हमारा 8th एपिसोड जो है वो है फुल बॉडी वर्कआउट, जिसमें बट ये थोड़ा एक्सटेंसिव होगा. जो लोग कंफर्टेबल हैं विद ईजी मूव्स वो मेरे 3rd एपिसोड को फॉलो कर सकते हैं. जिनको थोड़ा सा यू नो इंटेंसिटी हाई चाहिए, जिनको चाहिए कि नहीं मुझको और थोड़ा अपने आप को चैलेंज करना है, उनके लिए 8th एपिसोड बहुत अच्छा है. एंड देन गाइस 9th है हमारा डाइट प्लान. बिकॉज बहुत लोगों ने बोला है कि डाइट बता दीजिए कि क्या हो सकता है, तो मैं एक कॉमन डाइट बता सकती हूँ. बिकॉज हर बॉडी की अलग अलग वेराइटीज़ होती है, हर बॉडी को अलग अलग खाने का इंटेक चाहिए, सो देर आर वेरी डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स, तो वो मैं एक डाइट अलग देती हूँ. बट ये एक ओवरऑल दे सकती हूँ जिसमें कि आपको हेल्प होगा यू नो जनरल वे में अपने आप को फिट रखने के लिए. एंड जो 10th है वो है मेरा मिथ्स एंड डाउट अबाउट द एक्सरसाइज, की ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, शायद ये खाने से बढ़ जाता है, शायद ये एक्सरसाइज करने से ऐसा होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी. टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें उस पर मैं बताऊँगी. सो ये मेरा 10 डेज का लॉकडाउन सीरीज है जिसमें आई होप आप सब लोग उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करोगे जितना मैं अपनी तरफ से करूँगी, तभी मज़ा आता है कोई भी चीज़ करने में व्हेन देयर इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. सो ये मेरा 10 डेज का प्लान है. एंड इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें जो आप लोगों को याद रखनी है व्हाइल डूइंग दी वर्कआउट, दैट इज़ आप अगर सीरियसली करने वाले हो तब सबसे पहले अपना वेट चेक कर लीजिए, सो दैट आफ्टर 10 डेज और इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग इट देन 30 डेज के बाद आपका क्या वेट है एंड यू नो यू कैन गेट एन आइडिया कि आपका कुछ बॉडी में असर हो रहा है कि नहीं. आप इंची टेप से भी अपने आप को मेजरमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास वेइंग मशीन नहीं है. एंड देन सेकेंड इज़ योगा मैट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फ्लोर पर कर रहे हैं और आपने कोई आसन किया और आपका हाथ स्लिप कर गया देन एक भी कुछ भी इंजरी हो सकता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड द थर्ड इज वेरी कम्फर्टेबल ट्रैक पैंट एंड टी शर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोशिश करें कि साड़ी या फिर सलवार सूट या फिर मैक्सी में ना करें, बिकॉज अगर कहीं पैर फंस गया या फिर कोई आसन करते टाइम आपका पैर नहीं उठ पाया और कोई जर्क लग गया, तो देन इट विल अगेन लीड टू अ प्रॉब्लम. एंड फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु गोना स्टार्ट अ रियली वेरी हार्ड वर्कआउट, दैट इज स्पोर्ट्स ब्रा. बहुत ज़रूरी है कि एक आप अच्छा स्पोर्ट्स ब्रा पहने, बिकॉज वो आपके ब्रेस्ट को लिफ्ट करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा. एंड कीप अ वाटर बॉटल
बिकॉज हर एक सेट के बाद आपको वाटर पीना बहुत ज़रूरी है एंड मेक श्योर करना होता है कि एक घंटे के वर्कआउट में आपका इतना बड़ा बॉटल एटलीस्ट फिनिश हो जाए. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कल से. सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा एंड फिंगर क्रॉस लेट्स गेट स्टार्टेड लेट्स मोटिवेट ईच अदर एंड एम्ब्रेस ईच अदर. बाय.